बॉलीवुड में अगर किसी को क्यूट, चुलबुली और नटखट एक्ट्रेस कहा जाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि जेनेलिया डिसूजा है। एक्ट्रेस जेनेलिया की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। जेनेलिया बॉलीवुड, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है। एक्ट्रेस ने कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। अमिताभ बच्चन के साथ एक एड में भी नजर आ चुकी है और आजकल तो वो सोशल मीडिया पर अपने शॉर्ट्स, वीडियो और रील्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। किसी भी एक्ट्रेस के लिए एक फिल्म इंडस्ट्री में टिकना आसान नहीं होता। ऐसे में जेनेलिया डिसूजा के पास अनोखा रिकॉर्ड है। वो न केवल देश की 6 अलग अलग भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी है बल्कि बॉलीवुड में भी उन्होंने कई सारे हिट फिल्में दी है। उनके चेहरे की मुस्कान फैंस को काफी पसंद है। हम अपनी नई कहानी में जेनेलिया डिसूजा के बारे में सब कुछ जानेंगे विस्तार से। फिल्म इंडस्ट्री में उनके डेब्यू की कहानी, उनके परिवार के बारे में, उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में और साथ ही जानेंगे जेनेलिया डिसूजा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए हमसे आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ये सब करना जरूरी है क्योंकि हम इसी तरह के जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोस और कहानी आपके लिए लगातार अपलोड करते रहते हैं। भले ही जेनेलिया डिसूजा पिछले कुछ समय से फिल्मों से दूर हो लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। जेनेलिया डिसूजा का जन्म मुंबई में 5 अगस्त 1987 को एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। जेनेलिया डिसूजा के पिता का नाम नील डिसूजा और उनकी माँ का नाम जीनत डिसूजा है। नील डिसूजा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। जीनत डिसूजा एक बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी में पूर्व प्रबंध निदेशक के पद पर रह चुकी है। जेनेलिया डिसूजा ने अपनी शिक्षा मुंबई के सेंट एंड्रयूज कॉलेज से पूरी की, जहां उन्होंने मैनेजमेंट स्टडीज में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई मुंबई के बांद्रा में कॉर्मेल अपोलोस्टिक हाई स्कूल से की है। जेनेलिया डिसूजा के एक भाई है जिसका नाम निजिल डिसूजा है। उनकी कोई बहन नहीं है। एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाने से पहले जेनेलिया एक एथलीट थी और राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलती थी। बॉलीवुड में कुछ फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद जेनेलिया ने साल 2012 में अभिनेता रितेश देशमुख से शादी कर ली। जेनेलिया डिसूजा ने अपने करियर की शुरुआत 15 साल की उम्र में ही कर दी थी। उस समय जेनेलिया ने एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया था। मॉडलिंग में खासा ब्रेक न मिलने के बाद जेनेलिया डिसूजा ने 21 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर को शुरू करने के बारे में सोचा था। जेनेलिया ने साल 2003 में आई अपनी पहली हिंदी फिल्म मुझे तेरी कसम से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट उनके हस्बैंड रितेश देशमुख ही नजर आए थे। हालांकि जेनेलिया ने बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी कई सारे भाषाओं के फिल्मों में अभिनय किया है। जेनेलिया को बड़ा ब्रेक साउथ इंडस्ट्री से मिला था। जेनेलिया ने साउथ की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है और उनको वहाँ काफी ज्यादा लोकप्रियता भी मिली है। जेनेलिया के तेलुगु फिल्मों के बारे में बात करें तो उन्होंने 2006 में तेलुगु फिल्म बोमारिलू के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। जेनेलिया डिसूजा ने तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की मराठी फिल्म वेड ने साल 2022 में सिनेमाघरों में खूब धूम मचाई थी। इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो भी था। उनकी साउथ की फिल्मों में बोमारिलू, धी, रेडी, नाचतम, सुभाष चंद्र बोस आदि शामिल है। जेनेलिया डिसूजा ने वैसे तो हिंदी फिल्म तुझे मेरी कसम से डेब्यू किया था मगर यह फिल्म उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी और इस फिल्म से जेनेलिया और रितेश देशमुख को फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान जरूर मिली थी। जेनेलिया डिसूजा को फिल्म जाने तू या ना जाने से बॉलीवुड में जबरदस्त फेम मिला था। इस फिल्म में जेनेलिया के साथ इमरान खान नजर आए थे। इस फिल्म का गाना कभी कभी अदिति आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा जेनेलिया डिसूजा की प्रमुख फिल्मों में सत्यम, मस्ती, हैप्पी, राम, लाइफ पार्टनर, मेरे बाप, पहले आप, डांस पे चांस, फोर्स, तेरे नाल लव हो गया, फोर्स टू, मौली आदि जैसी कमाल की फिल्में शामिल है। जेनेलिया बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेस में से शुमार है। जेनेलिया डिसूजा कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही है। उन्होंने काफी यंग एज में ही इंडस्ट्री में कदम रखा था। हालांकि जेनेलिया ने फिल्मों में एंट्री करने से पहले कई सारे विज्ञापनों में भी काम किया था। एक्ट्रेस ने शुरुआती दिनों में पार्कर पेन का विज्ञापन किया था। इस विज्ञापन में उनके संग अमिताभ बच्चन नजर आए थे। एक्ट्रेस ने साल 2012 में एक्टर रितेश देशमुख से शादी कर ली थी और उम्र भर एक दूसरे के साथ निभाने का वादा किया था। नवंबर 2014 में रोमांटिक कपल पहली बार माता पिता बने थे। दोनों के दो बेटे हैं। पहले बेटे का नाम कपल ने बड़े प्यार से रियान रखा था और दूसरे बेटे का नाम राहिल। जेनेलिया डिसूजा की हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 5 फीट 6 इंच है। फिलहाल जेनेलिया डिसूजा का वेट 54 kg है। इनकी आंखों और बालों का कलर ब्लैक है। अगर जेनेलिया डिसूजा की नेटवर्थ की बात करें तो एक मीडिया सूत्र के मुताबिक जेनेलिया डिसूजा का नेटवर्थ करीब 150 करोड़ रुपए है। जेनेलिया डिसूजा के सोशल मीडिया उपस्थिति की बात करें तो जेनेलिया डिसूजा इंस्टाग्राम पर
पर एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है और कई सारे ब्रांड्स का वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐड करती है। और जेनेलिया डिसूजा के इंस्टाग्राम पर फिलहाल 12.2 मिलियन फॉलोवर हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं जेनेलिया डिसूजा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जेनेलिया डिसूजा के ससुर कद्दावर राजनेता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जेनेलिया का जन्म और पालन पोषण मुंबई में एक मराठी भाषी मंगलोरियन कैथोलिक परिवार में हुआ है। जेनेलिया डिसूजा की नई हिंदी फिल्म ट्रायल पीरियड में उनके साथ मानव कौल मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 21 जुलाई को जियो सिनेमा पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साल 2022 में इनकी एक और फिल्म मिस्टर मम्मी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसमें इनके साथ मुख्य भूमिका में रितेश देशमुख नजर आए थे। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।